गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ग्रोथ, प्रेजेंट साइज एंड फ्यूचर ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि रिटेलिंग क्या है, रिटेलिंग एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो कि मैन्युफैक्चरर से सेलर या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करता है और परचेज करके डायरेक्टली किसको सेल करता है, कंज्यूमर्स को, जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, है ना। और कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखता है, स्मॉल क्वांटिटी में भी गुड्स जो है वो सेल करता है, बल्क में परचेज करता है और स्मॉल में परचेज सेल करता है। तो वो ध्यान रखता है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हों। तो अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि ग्रोथ, प्रेजेंट साइज एंड फ्यूचर ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया, कि इंडिया में इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, प्रेजेंट साइज क्या है, है ना। और दो तरह के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, वो किस तरह के हैं। तो वी कैन से जो रिटेल है वो इंडिया में एक न्यू बज़वर्ड है, मतलब जो है वो एक न्यू टॉपिक है जो मतलब कह सकते हैं कि इसका ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इंडिया इस टाइम पर अगर हम देखें तो ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट में इंडिया नंबर वन पर आ चुका है। ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया नंबर वन पर आ चुका है। 30 इमर्जिंग मार्केट अगर पूरे वर्ल्ड में देखी जाए तो इंडिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू डिलीवर द फास्टेस्ट ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, और अगले 50 सालों में ये मतलब अच्छी ग्रोथ करने वाला है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर। इंडिया में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, उसके बाद वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर आता था लेकिन अब उसका प्लेस किसने ले लिया है, रिटेलिंग ने, है ना। और ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 10 to 12% ऑफ GDP, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 10 to 12% हमारे को कहाँ से मिलता है, रिटेल सेक्टर से। तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, है ना, कंज्यूमर गुड्स में, सर्विसेज में ये डील कर रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो देखा जा सकता है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक USA है, UK है, मैक्सिको है, थाईलैंड है, है ना, एंड मोर रिसेंटली इन चाइना एंड इंडिया, इनमें जो नेशनल इनकम का बहुत बड़ा पार्ट इनको रिटेल इंडस्ट्री से मिल रहा है। और अगर हम बात करें लाइक सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, इस तरह की कंट्री की, श्रीलंका, दुबई, यहाँ पर भी जो रिटेल सेक्टर है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। रिटेल सेक्टर हर कंट्री में जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें इंडियन रिटेल सेक्टर की, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं कि सबसे पहला इंडिया में जो रिटेल सेक्टर एस्टेब्लिश हुआ था, सबसे बड़ा जो रिटेल बना था वो बना था ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म, इसने बनाया था 80 कैन से। इन्होंने एफर्ट किया था रिटेल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने का फर्स्ट टाइम। और इंडिया का जो फर्स्ट शॉपिंग मॉल है वो क्या है, क्रॉस रोड, विच वॉज हैविंग ऑल फैसिलिटी लाइक फूड कोर्ट, रिक्रिएशन फैसिलिटी एंड लार्ज कार पार्किंग स्पेस, है ना। सबसे पहले मुंबई में 99 में जो है वो इस तरह का शॉपिंग मॉल बना था इंडिया का सबसे बड़ा, जहाँ पर कि इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ थी, पार्किंग फैसिलिटी भी थी, फूड कोर्ट्स भी थे और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक सिनेमा हॉल्स वगैरह वो भी थे। एंड अगर बात करें नॉट स्टैंडर्डाइज रिटेल फॉर्मेट, कि ऐसा कोई इंडिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो बताए कि रिटेल सेक्टर ऐसा होना चाहिए, तो देर इज़ नो रिटेल मॉडल विच कैन बी कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर इंडियन रिटेलर्स, है ना। सबने अपने अलग अलग मॉडल तैयार किए हैं, अब अलग अलग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं है कि इस तरह का होना चाहिए। अगर बात करें हम ग्रोथ की, तो इंडिया में जो रिटेल इंडस्ट्री है वो दो तरह की है, एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग वही है जैसे आपकी गली में आसपास जो शॉप्स हैं, किराने की शॉप्स हैं, छोटी मोटी शॉप्स हैं, जहाँ से आप चाहे स्टेशनरी परचेज करते हैं, चाहे ग्रोसरी आइटम्स परचेज करते हैं, तो वो रिटेलिंग है। लेकिन वो कैसी है, अनऑर्गेनाइज, बिकॉज उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई लाइसेंस नहीं लिया गया। तो अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग कैसी होती है, रेफर्स टू द ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ लो कॉस्ट रिटेलिंग, जहाँ पर कि जो उनकी कॉस्ट है वो कम लगती है और ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है, फॉर एग्जांपल लोकल किराना शॉप्स, ऑनर मैंड जनरल स्टोर्स, पान बीड़ी शॉप, है ना, जो पहले से चलती हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स, हैंड कार्ट एंड पेमेंट वेंडर्स, है ना, इस तरह के वेंडर जो घूम फिर के, और वी कैन से ये जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं, जैसे सब्जी वाले आपने देखे होंगे फुटपाथ पे बैठे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तो वो क्या है, पेमेंट वेंडर, वो हमारे अनऑर्गेनाइज में आते हैं। तो इनका भी, इनकी भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आज के टाइम में ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो ये देखो कुछ फैक्ट्स इन्होंने बताए हैं कि अर्ली 1980s में, 80s की अगर हम बात करें, तो ये पीरियड था पेडलर्स का, पेडलर्स वही हैं जो घूम फिर के जैसे आप सब्जी बेचते हैं,
है ना। इसी तरह से जो पेडलर्स थे वो घूम फिर के किराने का सामान भी बेचा करते थे, जैसे वेजिटेबल वेंडर्स हैं, या नेबरहुड जो किराना स्टोर्स है। वो 1980s का वो पीरियड था जब इनका ज़्यादा प्रेवलेंट, ये ज़्यादा थे, ये ज़्यादा चलते थे। उसके बाद 89 से 90 में कुछ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर्स आए, बट वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा आए, जैसे बॉम्बे डाइंग है, रेमंड है, एस्कुमार्स है ना, ग्रासम है, इन्होंने एंट्री किया इंडियन रिटेल मार्केट में। उसके बाद 91 से 2000 में रिटेल सेक्टर जो है वो लिबरलाइजेशन की वजह से इंडिया में मतलब इसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई, और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया में आए, है ना। और दूसरी साइड अगर हम देखें, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग बता रहे हैं किस तरह की है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एक ऐसी रिटेलिंग है जिन्होंने अपना लाइसेंस लिया हुआ है और जो सेल्स टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग रेफर्स टू द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ तो ट्रेडिशनल है, अंडरटेकन बाय लाइसेंस्ड रिटेलर्स। ये रिटेलर्स कैसे हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, दैट इज़ दोज हु आर रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स। सेल टैक्स और इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है। दिस इंक्लूड्स द कॉरपोरेट बैग्ड हाइपर मार्केट, जो हाइपर मार्केट है जिनका बेस कॉरपोरेट सेक्टर है, रिटेल चेन, एंड ऑल्सो द प्राइवेटली ओन्ड लार्ज एंड रिटेल बिजनेस, जैसे पेंटालूंस जो आपने सुना होगा, है ना, बिग बाज़ार, पेंटालून, शॉपर स्टॉप, रिलायंस, रिलायंस फ्रेश, है ना, ये जितने भी हैं, जस्ट लाइक ग्रोफर्स, जियो, ये जितने भी हैं, ये इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है एंड दे आर पेइंग सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स। तो इनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है। आप देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के बारे में, कि 2000 से 2005 तक इसका फर्स्ट फेस आया था रिटेलिंग का, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का। इसकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ टॉप लाइन रिटेलर्स इन इंडियन रिटेल मार्केट। तो पहला जो मतलब ग्रोथ हुई थी, फर्स्ट फेज जो आया था, वो 2000 से 2005 के बीच में आया था। उसके बाद 2005 से 2007 में सेकेंड फेज आया कि इनकी ग्रोथ और ज़्यादा हुई, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, टॉप लाइन रिटेलर्स इंडिया में आए। उसके बाद 2008 से 2010 तक थर्ड फेज आया इसकी ग्रोथ का, और मतलब यहाँ पर सप्लाई चेन, मतलब अलग अलग मॉल भी बनने लगे, फ्रेंचाइजी भी ली बिजनेस ने, है ना, दूसरी कंट्री से फ्रेंचाइजी भी ली, रिटेलिंग प्रोसेस स्टार्ट करी और कुछ और ग्रोथ हुई। और 2011 के बाद फोर्थ फेज स्टार्ट हो चुका है जिसमें फॉरेन रिटेलर्स के साथ भी इन्होंने एक्विजिशन किया, मर्जर किया, है ना, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किए और जॉइंट वेंचर्स भी तैयार किए। तो ये चार फेसेस थे जो मतलब हुए इंडस्ट्रियल रिटेल सेक्टर में, सॉरी इंडस्ट्रियल इंडियन रिटेल सेक्टर में, और अब ये चौथा फेस अभी हमारा चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो देखिए क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो क्या है, ट्रेडिशनल रिटेलिंग सेक्टर, परंपरागत, मतलब पुराने टाइम से ये चला आ रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड को हम कहेंगे मॉडर्न, मॉडर्न रिटेलिंग सेक्टर जो आज के टाइम में चल रहा है। सेंट्रलाइजेशन की अनऑर्गेनाइज्ड में सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं, एक ही ओनर होता है, है ना, जैसे आपके घर के आसपास जो शॉप है ग्रोसरी की या स्टेशनरी की, उसमें एक ही ओनर है, वही मैनेज करता है सब चीज़ों को, है ना। तो ये सेंट्रलाइज्ड है मेनली इन रूरल इंडिया में, ये रूरल सेक्टर में ज़्यादा है या जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं, है ना, वहाँ पर हैं। और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो अर्बन एरिया में है, और जनरली मतलब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ये भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो काम बटा हुआ होता है, इसमें बहुत सारे पर्सन हैं जो इसमें एंगेज होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। को स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो को स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लो, कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मतलब अपनी शॉप खोल सकते हैं। और यहाँ पर को स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। ऑपरेशंस, इसमें मोस्टली जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन करता है, ऑनर, तो मोस्टली ऑनर ऑपरेटेड ऑपरेशंस आर बेसिक फीचर इन दिस ऑफ दिस सेक्टर। और जो ऑर्गेनाइज्ड है इसमें जो ऑपरेशन है वो कौन करते हैं, मोस्टली प्रोफेशनली, मतलब अपॉइंट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़, और उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, मैनेजर भी रखे जाते हैं, सेल्समैन भी रखे जाते हैं, है ना, तो इस तरह से प्रोफेशनली ऑपरेटेड ऑपरेशंस यहाँ पर होते हैं। लेबर कॉस्ट यहाँ कम होती है, यहाँ पर भी कई लेबर रख लिए जाते हैं ट्रेडिशनल सेक्टर में भी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, बट उनको पे कम किया जाता है, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी रखे जाते हैं, बट उनकी सैलरी उनको ज़्यादा देनी पड़ती है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है। टैक्सेस जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर या तो टैक्स पे नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो हाई टैक्स पे करता है ना, क्योंकि ये लाइसेंस्ड होते हैं, इनकी सेल रिकॉर्ड होती है,
जैसे बिलिंग अगर आप देखेंगे कहीं किसी भी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बिल मिलता है, तो उनकी जो सेल है वो सारे रिकॉर्ड होती है, उसके ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको वो बिल प्रोवाइड नहीं करते। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आता है जनरेशन टू जनरेशन, है ना, कि जैसे कई साल हो गए उस शॉप को खुले हुए, उसके बाद फादर के बाद उसके बेटा बैठा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा बैठा, तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो जनरेशन टू जनरेशन आता है। लेकिन इसमें अगर हम देखें ऑर्गेनाइज में, तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी आपको मिल जाते हैं। तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड कंसल्टेंट या मैनेजर्स या ट्रेंड स्टाफ आप अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ द सेक्टर इन इंडिया, इंडियन रिटेल सेक्टर जो है वो डोमिनेट किया जाता है बाय द ट्रेडिशनल रिटेल, कि ट्रेडिशनल रिटेल के द्वारा डोमिनेटेड है, कि पहले इस तरीके से चलता था। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी चाइल्डहुड स्टेज में ही है, ये इसकी तो ग्रोथ हो चुकी है। इंडियन रिटेल सेक्टर जो ट्रेडिशनल रिटेल है और अनऑर्गेनाइज है, इसकी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन अब ग्रोथ किसकी हो रही है, ऑर्गेनाइज की। ये अभी चाइल्डहुड स्टेज में है एंड नीड्स टू ग्रो, इसकी ग्रोथ होने भी बाकी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज ट्राइंग हार्ड, मतलब अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो ये भी अपनी ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है लीडरशिप पोजीशन में जाने की इंडियन रिटेल मार्केट में। ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्पीडली हो रही है, है ना, बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ न्यू टाइप ऑफ फार्मेट्स, कि नई नई कंपनीज आ रही हैं जो अपने यहाँ पर जो मॉल्स हैं, जो इस तरह से वो लगा रही हैं मॉल्स वगैरह, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी स्पीडली हो रही है, ये कोशिश कर रही हैं लीडरशिप रोल में आने की। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ शॉप और फॉर्मेट इन दिस सेक्टर, ये आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अनऑर्गेनाइज में लोकल किराना शॉप हैं, जनरल स्टोर्स हैं जैसे फादर एंड सन, मोम एंड पॉप, है ना, पान बीड़ी शॉप, बनिए की दुकान, कन्वीनियंस स्टोर्स, हार्ट एंड मील्स, कॉपरेटिव्स एंड गवर्नमेंट आउट स्टोर्स, इस तरह के जो है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे राशन सिस्टम, राशन की दुकान, है ना, और देखिए ऑर्गेनाइज में क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, डिस्काउंट स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, सुपरमार्केट, कैश एंड कैरी बिजनेस, फैक्ट्री आउटलेट्स, रिटेल चेन, फ्रेंचाइजी, इस तरह के क्या हैं ऑर्गेनाइज्ड। तो ये है कुछ इसका डिफरेंस, इसको आप पढ़ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।